पीड़ू, अब तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे? अब किस बात का डर? ये टप्पू को ना मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, सॉरी। ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। ठंड रख पीड़ू, ठंड रख। बच्चे बच्चे मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दिल बटा रख। अरे बड़ा ही हो गया था दिल डर के मारे। क्या हुआ? कौन डर गया? ओ अपना पीड़ू डर गया। कैसे? ओ क्लब हाउस में उसने भूत देख लिया था। भूत? क्या? हाँ, वो भी एक बॉक्स के अंदर। कौन सा बॉक्स? अरे कुछ नहीं, वो अपना टप्पू ना मजाक कर रहा थी। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम लोग बोलो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो और ये सब क्या हाथ में? क्या भीड़ है अंकल, इतनी इंक्वायरी तो कोई एयरपोर्ट पे भी नहीं होती है जितनी आप कर रहे हो। हमारी भी कोई जिंदगी है कि नहीं? ये गोड़िया, एक ही सवाल पूछा उसमें भी हमारी भी कोई जिंदगी है कि नहीं वगैरह काय चल ले? इसमें मेरे पुराने खिलौने और इसमें पुराने बेडशीट और पिलो। अच्छा किसके लिए लेके जा रहे हो? पॉम्पॉम के लिए। किसके लिए? पॉम्पॉम के लिए। कौन है पॉम्पॉम? मेनू की पता। ओ बच्चो पॉम्पॉम कौन है? यार अपना पिंकू है ना। है ना? क्या पिंकू ने अपना नाम बदल के पॉम्पॉम रख लिया? नहीं नहीं नहीं, वो पिंकू की बिल्डिंग है ना, उसके बाजू में एक जरूरतमंद बच्चा है, उसका नाम पॉम्पॉम है, तो उसके लिए हम लोग ये कंबल पिलो और टॉयज लेके जा रहे हैं। उसे इन चीजों की जरूरत है। क्यों फ्रेंड्स? हाँ, बहुत जरूरत है। अच्छा और ये दूध और बिस्किट, रास्ते में तुम्हें भूख लगी तो खाने के लिए। भेड़े अंकल कितने सवाल पूछते हो। ये दूध और ये बिस्किट स्ट्रे डॉग्स के लिए है, तो आज हम लोग बेजुबान जानवर और जरूरतमंद बच्चे की हेल्प करने जा रहे हैं। ओ कितना बढ़िया काम कर रहे हो बच्चों, तुम लोग दिल खुश कर देता, वेरी गुड। लेकिन सोनू बाड़ा, तुम्हारे ये खिलौने बचपन से कितने संभाल के रखे थे मैंने। हाँ बाबा, पर इन खिलौनों से मैं अब थोड़ी ना खेलती हूँ, और ऐसे ही ये घर पे पड़े थे, तो इससे अच्छा है किसी जरूरतमंद बच्चे के काम आ जाए। Exactly. और वो कुछ दिन खेल कर मुझे वापस कर देगा। अरे कुड़ी ने कितनी सियानी गल की थी है? तू सिख, वेरी गुड जी, वेरी गुड। ओ गोगी पुत्र, किसी और चीज की जरूरत पड़ी ना तो मुझे कहना। ओके पापा, ओके। ऐसे जरूरतमंदों की हमें मदद करनी चाहिए, वेरी गुड। ले जाऊँ ना बाबा? हाँ ठीक है ले जाओ। चलो जी, रब रखा। ए रुको रुको, एक मिनट रुको। इस तरफ जाना चाहिए तुम लोगों को, तुम क्लब हाउस की तरफ क्यों जा रहे हो? क्या पीड़े अंकल, और एक सवाल? क्या पीड़ू, तूने तो सवालों की चड़ी लगा दी है। अरे भाई बच्चे भलाई का काम करने जा रहे हैं, उन्हें गुड लक बोल, शाबाशी दे। तो जाओ बच्चे जाओ। हाँ एक मिनट, जरा संभाल के जाना क्लब हाउस में, वहां पे टप्पू आज भूत भूत खेल रहा है। हाँ वो तो हमें पता है। तुम्हें कैसे पता? अभी बताया ना आपने। अरे हाँ ठीक है जाओ। चलो 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 जाओ भाई, जाओ एंजॉय। चल पीड़ू। ए एक मिनट छोड़ी, तुम्हें वाकई लग रहा था कि टप्पू मजाक कर रहा था? जरा जाके चेक करे क्लब हाउस में। ओए पीड़ू, तेन कुछ कम वम नहीं है? जब देखो बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। अरे छोड़, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टप्पू कुछ गड़बड़ कर रहा है? ओए डिटेक्टिव पीड़े, तो क्या जब देखो टप्पू 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 करता रहता है, कोई बच्चों पे इतना शक करने की क्या जरूरत है? तेन कम नहीं है ना, मेनू आज बहुत कम है। चलो चलो। अरे अरे लेकिन ऐसे कौन लेके जाता है? तेन चक लो। नहीं नहीं नहीं, सीधे चलो सीधे। कहाँ रह गए थे तुम तीनों, इतना टाइम क्यों लग गया आने में? अरे भाई बड़ी मुश्किल से घर वालों से बचते बचाते हुए पॉम्पॉम का सामान लाए, कितने देर हो गई। ओ अच्छा अच्छा, वैसे फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वीडियो अंकल और सोडी अंकल के सामने पॉम्पॉम का राज खुलते खुलते रह गया। हाँ हाँ, वीडियो अंकल भी नीचे बोल रहे थे कि क्लब हाउस में टप्पू भूत भूत खेल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या? एक्चुअली क्या हुआ, टप्पू इसीलिए बीड़े अंकल तुझे इतना डांटते हैं। क्या हुआ बोले? लेकिन सोने ना, बहुत दिमाग चला। क्या रही हो तुम लोग? सिचुएशन कितनी सीरियस हो सकती थी, कोई आइडिया है? गाइस बाबा को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं सोनू, ये अपना न्यूटन है ना, इसने सब संभाल लिया। यस न्यूटन? अरे मतलब टप्पू। ओले
अरे पोंपो बोल रहे कि ये सारी बातें छोड़ो और मेरे लिए क्या क्या लेकर आए वो बताओ, है ना पोंपो? पोंपो आपकी सोनू दीदी आपके लिए खिलौने लाई है। अरे वाह खिलौने, ये देखो। अरे अरे वाह क्या बात है पोंपो, इतने सारे टॉयज। हाँ अरे वाह दीदी पोंपो को भी टॉयज पसंद है। पॉम-पॉम, मैं तुम्हारे लिए अपने कपड़े भी लेकर आऊंगी। और सोनू की गल कर रही है, तेरे कपड़े इसे कैसे होंगे? होगी, आज से मैं पॉम-पॉम की पर्सनल डिजाइनर, अपने कपड़े काट पीट करके मैं इसकी साइज का कर दूंगी, फिर हमारी पॉम-पॉम बिल्कुल हीरोइन लगेगी, है ना पॉम-पॉम? क्या बात है सोनू, पुत्रे वो ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्या? क्यों? अरे मतलब मुझे भी ये आइडिया आता तो मैं भी अपने पॉम पॉम के साइज के बेडशीट और पिलो ले आता ना। होगी, बेडशीट फोल्ड भी हो सकती है। अरे ये भी मेरे दिमाग में नहीं आया, सॉरी सॉरी। अरे अभी जो लाया है वो दिखाना। देखो पॉम पॉम, मैं आपके लिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बेडशीट ले आया हूँ, सॉफ्ट सॉफ्ट पिलो लाया हूँ और वो भी दो दो लाया हूँ। अरे क्या बात है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कितने खुश हो गए ना, सॉफ्ट वाले बेडशीट भी अच्छे लगे पॉम पॉम को। और पॉम पॉम मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। अरे वाह पॉम पॉम खाना खाना खाना, पॉम पॉम को वहां लेके चलना। आजा आजा पॉम पॉम खाना खाएंगे हम लोग। पॉम पॉम को तो देखो खाना देखते ही टूट पड़ी। यार इसको खाते देख मुझे भी भूख लग गई यार। ओए गोली, तेरा पेट है या कुआ, कभी भरता ही नहीं है। और पॉम पॉम के खाने में तो नजर मत डाला। क्या बात कर रहा है गोगी, पॉम पॉम का खाना खाकर उससे भूखा रख के मैं अपना पेट थोड़ी भरूंगा। फ्रेंड्स पॉम पॉम के अभी के खाने का इंतजाम तो हो गया, पर पॉम पॉम को फिर से भूख लगेगी तब हम क्या करेंगे? हाँ यार, बार बार घर जाकर खाना लाना भी रिस्क है। बहुत रिस्की है, अगर गलती से भी हमारा राज खुल गया तो पॉम पॉम हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स रिलैक्स, अभी तो देखो पॉम पॉम को खिलाने के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत जो खाना है वो खिलाते उसे, और जब खत्म हो जाएगा तब देखते हैं आगे का क्या करना है। ठीक है। हाँ फ्रेंड्स ठीक है, लेकिन जो कुछ भी करेंगे एकदम संभाल के करेंगे ताकि किसी को शक ना हो कि पॉम पॉम क्लब हाउस में। अरे अब्दुल भाई आप यहाँ? अरे टपू से ना आप लोग, लेकिन मुझे देखकर आप लोग डर क्यों गए? अरे डरे क्या है अब्दुल भाई, हम लोग तो एकदम नॉर्मल है, क्यों फ्रेंड? अच्छा आप लोग क्लब हाउस में क्या कर रहे हो? क्लब हाउस में हम लोग कोयला निकाल रहे थे। कोयला तो कोयले की खान से निकालते हैं, और ये तो क्लब हाउस है। तो क्लब हाउस में क्या करते हैं? खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तो बस हम लोग भी वही कर रहे हैं। वो हो अच्छा। हाँ फ्रेंड्स लगता है अब्दुल भाई भी मस्ती करने आया है ना अब्दुल भाई। नहीं नहीं मैं तो बिल्ली ढूंढने के लिए आया हूँ। इधर गई बिल्ली भी।
फ्रेंड्स, हमें जल्द से जल्द फॉर्म फॉर्म को छुपाना पड़ेगा। ठीक है तो फ्रेंड्स, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, आप लोग बस फॉर्म फॉर्म को छुपाओ। अब्दुल भाई पीछे देखिए, क्या है बिल्ली? अरे ये 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 नया चेस बोर्ड। चेस बोर्ड? अरे मुझे पता है, क्या देखने का, चेस बोर्ड में ब्लैक एंड व्हाइट का दो बॉक्सेस होते हैं और क्या है। नहीं नहीं नहीं, आपने देखा नहीं बराबर अब्दुल भाई। देखो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, हमारे में ब्राउन और व्हाइट है, आपने देखा नहीं बराबर। तो इसमें क्या है, मुझे बिल्ली ढूंढना है। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई नीचे देखिए, वो क्या है? क्या? वाओ, अपने नए जूते लिए? नहीं बहुत पुराने, मतलब बहुत, मतलब कि काफी, एक साल, दो साल, सात महीने, आठ महीने, कितना, बहुत बहुत साल हो गया। चेस खेलते ना, एक एक गेम। कम ऑन। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्ली ढूंढने के लिए आया था। अरे अब्दुल भाई मिली नहीं रही। नहीं मिलेगी ना अब्दुल भाई। क्यों नहीं, क्यों क्या अब्दुल भाई, आप पहले भी ढूंढने आए थे ना, आपको बिल्ली मिली नहीं ना? पीड़े अंकल बिल्ली के पीछे ऐसे पड़े जैसे बिल्ली चूहे के पीछे पड़ती है ना? अरे पीछे तो पड़ेंगे ना, उनके प्यारे सकराम की सीट को नोचा है, है? अब भिड़े भाई उसे छोड़ने वाले नहीं है। मिली आपको नहीं ना? ठीक है। अरे ये दूध बिस्किट ये सब यहाँ क्या कर रहा है? क्या बोला अपना भाई, आप लोग बिल्ली को दूध तो नहीं पिला रहे हो? नहीं, ये सब यहाँ पर क्या है? क्यों? अरे अब्दुल भाई, ये बिल्ली के लिए नहीं है, ये गोली का है। अरे वो क्या है ना, ये अपना गोली है ना, हम लोग जब भी यहाँ पर कोई गेम खेलते हैं ना, तो उसमें हारने लगता है ना, तो भूखा वाला करके भागने लगता है। हाँ हाँ, इसलिए हमने पहले से इसके खाने पीने का बंदोबस्त यहाँ पे करके रखा है। गोली इस डब्बे में दूध पीता है? हाँ हाँ, और खाना भी मैं पतीले में ही खाता हूँ। वो क्या है ना अब्दुल भाई, गोली मुझे सब बाद में समझाना, पहले मुझे बिल्ली को ढूंढने दो। बिल्ली जब तक मिल नहीं जाती तब तक न भिड़े भाई शांति से रहेंगे और न मुझे नहीं रहने देंगे। धंधा पानी छोड़ के बिल्ली को ढूंढ रहा हूँ, न मुनाफा हाथ में आ रहा है और न बिल्ली हाथ में आ रही है। क्या पूछे ना, प्लीज तुम लोग मदद करो ना मेरी बिल्ली ढूंढने के लिए। ये बिल्ली मिल के ना तो टेंशन खत्म हो जाएगी, शांति से धंधे पे ध्यान दूंगा। अब्दुल भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आप काम पे ध्यान दो ना, बिल्ली को हम ढूंढ लेंगे। अब्दुल भाई आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम बिल्ली को ढूंढ लेंगे, आप दुकान जाइए। जैसे ही मिलेगी हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। थैंक यू टप्पू सेना, तुम लोगों ने मेरा टेंशन दूर कर दिया। चलो दुकान चलता हूँ। एक और बार पकड़े जाने से बच गए। अब्दुल भाई शांत हो जाइए, आप डरिए मत, ये कोई शेर नहीं है, छोटी सी बिल्ली है। अरे बिल्ली मेरे कंधे पे गिरी इसलिए मैं डर गया था। टप्पू अच्छा हुआ तूने बिल्ली को पकड़ लिया, नहीं तो मेरी आवाज सुन के वो फिर से भाग जाती थी। लाओ मुझे दो, मैं भिड़े भाई के पास लेके जाता हूँ। लाओ। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 अब्दुल भाई इसे भिड़े अंकल को मत दीजिए, इसे हमारे पास रहने दीजिए प्लीज। अरे भिड़े भाई मुझे डांटेंगे। नहीं 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 नहीं, इसे हमारे पास रहने दीजिए प्लीज। अरे लेकिन मैं भिड़े भाई को क्या जवाब दूंगा? तो अब्दुल भाई आप समझिए, हम इसे आपको नहीं दे सकते। नहीं नहीं मुझे भिड़े भाई को देना चाहिए। अरे आप लोग ये बिल्ली मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि हम अपने से दूर नहीं करना चाहते पॉम पॉम को। पॉम पॉम? ये पॉम पॉम कौन है अब्दुल भाई? पॉम पॉम इस बिल्ली का नाम है।
हाँ, हमने इसका नाम रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्ली क्लब हाउस में थी, ये तुम लोगों को पता था? हाँ अब्दुल भाई, हमें इस बिल्ली को बाहर से सोसाइटी में लाए। तो मुझे झूठ क्यों बोला? क्योंकि अगर हम आपको सच बताते तो आप इसे बाबा के हवाले कर देते और बाबा इसे बाहर छोड़ाते। अरे आप लोगों को इसे पाना ही था तो घर पे पालते, और उसे छुपा क्यों पाल रहे हो? क्योंकि हम में से कोई भी इसे अपने घर लेके नहीं जा सकता। किसी के घर पे कोई बिल्ली से डरता है तो किसी को बिल्ली से एलर्जी है। हाँ, और कोई बिल्ली का रास्ता काट जाने से डरता है। अब्दुल भाई, ये सब सोच के ही हमने पॉम पॉम को क्लब हाउस में पालने का फैसला लिया। अरे सबके घर में बिल्ली की इतनी प्रॉब्लम थी तो बड़ों के परमिशन के बिना उसको लाए क्यों? अब्दुल भाई, अगर इस बिल्ली की आप दुख भरी दास्तान सुनोगे ना तो आप भी कहोगे कि हमने एकदम सही किया है। हाँ, हाँ। ऐसा क्या हुआ बिल्ली के साथ? अब्दुल भाई आप बैठिए, हम आपको सब बताते हैं। आप बैठिए, आइए बैठ जाओ, बैठ। क्या हुआ ना अब्दुल भाई, आज सुबह मैं और गोली मार्केट से आ रहे थे तो भी गार्डन में ये बेचारी लाचार कमजोर दुखियारी बिल्ली पर एक खूंखार दिखने वाले कुत्ते ने अटैक कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर वो कुत्ता दांत दिखाकर घुराने लगा। फिर क्या हुआ? बिल्ली डरने लग गई और मदद के लिए चिल्लाने लग गई। कुत्ता घुर्राता रहा और बिल्ली मदद के लिए पुकारती रही। फिर क्या हुआ? फिर कुत्ता इस पर अटैक करने ही वाला था कि हमने इसे उठा लिया और बचा लिया। फिर क्या हुआ? फिर बड़ी मुश्किल से हमने इसे बचाया और गोकुलधाम सोसाइटी में ले आए। आप लोगों ने बिल्ली को बचाया, अच्छा किया। लेकिन बड़ों से छुपाया वो आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। बीड़े भाई कभी इसे सोसाइटी में रखने से रहे? अब्दुल भाई आप प्लीज बीड़े अंकल को कुछ मत बताओ, आप प्लीज हमारे साथ दो ना। प्लीज अब्दुल भाई। देखो मैंने पिज्जा पार्टी में आप लोगों का साथ दिया था, है ना? मुझे बहुत भारी पड़ गया था। बीड़े भाई को तो सब बताना ही पड़ेगा। सॉरी। ठीक है अब्दुल भाई, छोड़ाइए आप हमारी पॉम्पॉम को, अब छोड़ाइए इसे उस रास्ते पे जहां वो खूंखार कुत्ते से छोड़े ना। फिर आप भी खुश और बाबा भी खुश। अरे क्या हुआ ये पॉम्पॉम और टपू सेना के साथ? भाई भिड़े ने अब्दुल से कहा था कि वो बिल्ली को यानी कि पॉम्पॉम को ढूंढे और अब्दुल ने वो बिल्ली यानी कि पॉम्पॉम देख ली क्लब हाउस में। अब्दुल के सामने टपू सेना की पोल खुल गई है, क्या करेगा अब्दुल? अगर अब्दुल ने टपू सेना और पॉम्पॉम की ये पोल भिड़े के सामने खोल दी तो फिर भिड़े टपू सेना का क्या हल करेगा? तो मामला बड़ा मुश्किल होने वाला। अगर अब्दुल ने पोल नहीं खोली तो फिर पॉम्पॉम का हंगामा यूं ही चलता रहेगा। क्या होगा, पॉम्पॉम और टपू सेना की रक्षा तो अब भोले बाबा ही कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान शिव का एक प्रमुख पर्व। ये फागुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है हर वर्ष। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ था और पूरे साल 12 शिवरात्रियों में सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है। इस दिन पूरी दुनिया में इसे धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान शिव के भक्त पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं।
कहते हैं भगवान शिव की जिस पे कृपा हो जाए फिर उसे चिंता की आवश्यकता नहीं। ईश्वर करे आप पर भगवान शिव की कृपा हो, आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, खूब तरक्की करें। और यहाँ गोकुल धाम में क्या होता है अब्दुल के साथ और क्या होता है पॉम्पम के साथ, ये जानने के लिए देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।